हुआ क्या, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जब जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स वो जो कन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए, उसके उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के, कैसे यहां एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए जो लौटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम था। देखिये, हेड्स ऑफ कई दफा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं क्या वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था। तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर यह था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। इमरान खान की गुफ्तगू आप देख रहे थे।